मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद कांग्रेस बीजेपी सहित सभी दलों की नजर ईवीएम पर टिकी हुई है। हालांकि ईवीएम अब स्ट्रॉन्ग रूप में भी भारी सुरक्षा के बीच रखा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर इस बार बेहद ही सचेत नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को ईवीएम काउंटिंग को लेकर ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद सभी पार्टियों की नजर ईवीएम मशीन पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के साथ ही काउंटिंग एजेंट को भी लीड करने वाले दो दो लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में बुलाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की यह बैठक भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 26 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस अपने प्रत्याशियों और काउंटिंग एजेंट को बताएगी कि उनको काउंटिंग के दौरान किन किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी मतदान के बाद काउंटिंग की ट्रेनिंग दी थी। देखिए, जब आपको मालूम है कि आपका मुकाबला कैसे राजनीतिक दल से है कि जो सुबह 5 बजे भी महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण करा देते हैं सारे नियमों को ताक रख के, जब आपको मालूम है कि आपका मुकाबला ऐसी पार्टी से है जो बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ती और कारम जैसे बांध बनाती है, और आपको मालूम है कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने ईवीएम में ऐसी गड़बड़ियां की हैं कई बार कि जितने उस बूथ पर वोट नहीं पाए जाते होते हैं जितने की भाजपा को मिल जाते हैं, तब आपको सतर्कता बरतनी आवश्यक है, जरूरी है। और सभी प्रत्याशियों को बुलाकर इसी विषय में 26 तारीख को उनसे चर्चा की जाएगी, उनको कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि इस बार चुनाव आयोग ने क्या नए नियमों के साथ चुनाव आयोग आया है, और ताकि वो अपने एजेंटों को पोलिंग बूथ के जो एजेंट हैं उनको बता सकें और हर टेबल पर जो जो एजेंट बैठ उनको जानकारी दे सकें कि आपको गणना में क्या सावधानी बरतनी है और मतगणना अगर करानी पड़े तो किन स्थितियों में, इसलिए उन सबको बुलाया जा रहा है जिससे सबसे चर्चा की जा सके। मैं मानता हूं ये बड़ा सुखद है, बड़ी अच्छी बात है जिससे सबको जानकारी साझा कर पाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।